भाईजान उसने देखो ना, इनको छोड़ दिया लुटेरों को। जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो बार बार आगे वो कहते हैं जी, वो बड़े वाले को देख लो, लड़के को पकड़ोल को, कहता मालोपुर को डॉक्टर ने कहा नाम को लो, वाहवा खोली के लिए भेजा उनको। हैं, अबे वहाँ खोरी के लिए भेजा उसको, जंगल में भेजो वहाँ खोरी के लिए, उसको बाहर तो उसका नान पकौड़े खिला रहा बुला के रेस्टोरेंट में। अच्छा, मुल्क से बाहर जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भेजा है ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है और सूबाई वजीर सेहत हैं, हाँ, यास्मीन राशिद, वो इस हवाले से कहती रही है कि भाई वो धोखा देके क्या झूठ बोल के गया वो। आप समझते हैं कि अब देखे ना, अब ये बेचारे बेचारे परेशान है, धोखा दिया जिसने, उनको इजाजत दी, बेचारे परेशान है जिनके, इनके वजीरों ने धोखा दिया, इनको छोड़ के भाग गए, इनके लीडर इनको बेचारे को छोड़ के भाग गए, अब बेचारे परेशान है ये बेचारे। अच्छा, 2019 जो था वो बताएं कि आपका कैसा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ठीक है, पाकिस्तान बच गया, बस हम तो ये जानते हैं अगर 600 रुपए की भी रोटी होगी लोग खाएंगे, भूखा कोई नहीं सोता, सब रोटी खा के सोते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया की हुकूमत आई थी, वो ठीक है, वो भाई इंडिया की, भाई भाई मेरी बात सुने, जाते हैं इसको क्या पता गुर्बत का, ये जाते हैं हाजिरी लगा के आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, ये तो उनके गिन गाएगा। हम मुझे इमरान खान ने नौकरी नहीं दी। इमरान खान सवाल करते ना, हाँ जी, कहा नहीं, इमरान शेख ने दी 600 रुपए की रोटी होगी, आवाम खाएंगे, आप ये बात खाएंगे जी, बिल्कुल पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान को बचाना हमने, ये तो गद्दार भाईजान, ये तो गद्दार थे, छोड़े ये, मैं तो सवाल कर, ये तो गद्दार थे, ये तो गद्दार थे, ये गद्दार थे, आदमी धमाका, इनको क्या पता, ये पाकिस्तान की भी हो जाइए, तो इन्होंने अपने जनरल को भेज, जब वही मियां साहब ना, जब वही मियां साहब जिन्होंने जनरल को भेज दिया, जिन्होंने मुल्क के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने मुल्क के लिए जंग लड़ी, उसका गद्दार जितने मर्जी, जिन्होंने मुल्क के लिए जंग लड़ी, उसका फांसी दे रहे हैं, जो गद्दार थे उनको बाहर भगा दिया। पाकिस्तान की आवाम जो है वो आम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करती है, वो कहते हैं कि जो कंटेनर पे खड़े होकर बातें की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस वक्त ये वादे और दावे किए गए थे कि जो जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी नून लीग की, वो टैक्सेस लगा रही है बहुत ज़्यादा, बिल जलाए गए, टोल प्लाजे पे टैक्स देने की ना बात की गई कि ये जो है टैक्सेस जायज़ नहीं है, पेट्रोल के हवाले से बात की गई, 45 का पेट्रोल पड़ता है और ये 70 का बेच रहे हैं, यही बात हुई थी, ट्वीट भी क्या क्या मौजूद है। तो अब आप कह रहे हैं कि 600 की रोटी आवाम खाने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त के जो वादे थे वो कहाँ पे गए? सुने, पाकिस्तान को बचाना है, जो मुल्क की हालात है, जो पाकिस्तान पे कर्ज रहे हैं ऐसे उतरेंगे ना, इसी तरह उतरेंगे ना, तो ये बात, तो इसी तरह कर्जे इसी तरह उतरेंगे भाई, वो तो खा गया, वो तो खा गया भाई कर्जे सारे, खा के बाहर भाग गया, लोहार थे वो, डाकू बेहतर है ये वली अल्लाह, लोहार थे वो, लोहार थे क्या था, छोटा सा कारोबार था, सारे बाहर भाग गए सारे, अगर इतना होता। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त कोई भी करप्ट लोग मौजूद नहीं है? बिल्कुल करप्ट है इंशाल्लाह, हम इमरान की बात कर रहे हैं, ऑनेस्ट आदमी है इंशाल्लाह, अगर रहेगा वो इनको भी टांगेगा, वो इनको भी टांगेगा, माफ नहीं वो करेगा किसी को। आप ये इस बात की एग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी करप्टी ना, वो टांगेगा इनको, मौका तो मिले, यहाँ तो फरिश्तों ने नहीं आना, मौका मिलेगा इंशाल्लाह, टांगेगा इनको भी, अगर वो करप्शन करेंगे, करप्शन करेंगे टांगेंगे। अच्छा, 2020 में अभी भी देखें इस बात से तो एग्री करते हैं ना कि माशी तौर पर पाकिस्तान जो है इस वक्त अब अच्छी स्टेज पे नहीं है, 2020 में आप पाकिस्तान देखें, आम आवाम, ये सारी आम आवाम है, ठीक है, हम सब आम आवाम का हिस्सा हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर गवर्नमेंट से, हर बंदे की, आप गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2020 में जरूर करे, इंशाल्लाह करे, इनकी जो है ना, इनकी तनकीद खत्म हो जाए, तीन चीज़ें कौन सी जो करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए जी, एक तो महंगाई कम हो, ठीक है, और एक बेरोजगारी खत्म हो, इंशाल्लाह सब जो हो जाएगा ठीक, एकदम तो नहीं कम होता, जब 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 दरख्त लगता है ना, चार साल पांच सवा फल देता है, एकदम नहीं फल देता, चार पांच साल लगेंगे इसको, ये माशा बिगड़ा हुआ, आप ठीक होगा आप।